हेलो फ्रेंड, मैं हूँ कविता। आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे पकोड़े। वैसे तो आपने पकोड़े बहुत खाए होंगे बाजार में घर पे बना के, बट आज हम कुछ डिफरेंट टाइप के पकोड़े बनाएंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी और क्रंची है पकोड़े। तो हम चलते हैं किचन में पकोड़े बनाने। हमने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन लेंगे, 1/2 कटोरी रवा डालेंगे, मतलब सूजी डालेंगे, 2 हरी मिर्ची, लहसुन का पेस्ट डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, कुटा हुआ हम जीरा डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्याज और कसा हुआ आलू डालेंगे। हमने यहाँ पे 2 क्रश किया हुआ आलू लिया है। आलू के सारे पानी हमने निकाल दिया है। फिर उसके बाद हम इसमें प्याज डालेंगे, क्रश किया हुआ आलू, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। फिर उसके बाद हम अच्छी तरह से मिलाएंगे मसालों के साथ। जब हमारे मसाले अच्छी तरह से मिल जाएंगे, उसमें हम हल्का सा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी इसमें हम नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही पानी डालेंगे। फिर उसको हम मिला देंगे और 10 मिनट के लिए हम सेट होने के लिए रख देंगे। दस मिनट के बाद सेट होके रेडी है। तो हम चलते हैं पकोड़े बनाने के लिए। हमने यहाँ पे तेल लिया है, तेल हमारा गर्म होके रेडी है। अब उसी में हम पकोड़े डालेंगे। जब हमारे पकोड़े नीचे से हल्का कलर ब्राउन हो जाएगा तो हम उसको पलट देंगे। तो हमारे पकोड़े जो है ब्राउन करके बनके रेडी है। तो हमारे पकोड़े बनके रेडी है। तो हम इसको अब छान लेते हैं। सो फ्रेंड, हमारे पकोड़े बनके रेडी है, क्रिस्पी पकोड़े। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो रेसिपी आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घर पे बना के मुझे शेयर करें कि आपके पकोड़े कैसे बने। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट।